वास्तु के हिसाब से घर का टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, घर के टॉयलेट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज पर वास्तु, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और ऐसी कुछ टिप्स को मैं शेयर करूंगा जिससे आप अपने घर के टॉयलेट के वास्तु को ठीक कर सकते हैं और उसे उसमें शुभता ला सकते हैं अगर वो थोड़ा भी गलत बना हुआ है। वेलकम टू मंजिल डेस्ट्रो, मेरा नाम है आतिश और आज हम बात कर रहे हैं घर के टॉयलेट के वास्तु के बारे में। तो वास्तु के हिसाब से बहुत सिंपल डिवीजन है दो कैटेगरीज में डायरेक्शंस का, एक हो गई पॉजिटिव डायरेक्शंस और एक हो गई नेगेटिव डायरेक्शंस। और पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब नहीं है कि नेगेटिव डायरेक्शन है तो वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है या वो बिल्कुल घर से हट जाना चाहिए। इसको समझने का तरीका है कि पॉजिटिविटी कहाँ से आनी चाहिए और नेगेटिविटी कहाँ से रिमूव होनी चाहिए घर से, सिर्फ दो लाइन का बाइफर्केशन है पूरे वास्तु का। इसको समझ लिया तो पूरा घर का वास्तु आप खुद स्वयं समझ जाएंगे। तो वास्तु के हिसाब से टॉयलेट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? टॉयलेट का डायरेक्शन, जैसे कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो नॉर्थ और ईस्ट को शुभ माना गया है और साउथ और वेस्ट को अशुभ माना गया है वास्तु के हिसाब से। तो अशुभ जगह, क्योंकि टॉयलेट है, बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है, बहुत पॉजिटिव एरिया नहीं है घर का, तो वो साउथ और वेस्ट में आना चाहिए। लेकिन साउथ और वेस्ट में आने में भी कुछ अपवाद हैं कि कहाँ पर ये साउथ वेस्ट में भी नहीं आ सकता है। तो अलाउड है टॉयलेट के लिए जो सबसे सुगम है वो है वेस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट उतनी सुगम डायरेक्शन नहीं है, वहाँ पर आपके बेडरूम सबसे अच्छा माना गया है। तो अगर अटैच टॉयलेट है तो आप उसको ऐसे कॉर्नर में रख सकते हैं कि वो आपके, अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो वो साउथ या वेस्ट की तरफ आ जाए, एकदम साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेडरूम आए। लेकिन ऑप्शन नहीं है तब वो शयन कक्ष के साथ अटैच बाथरूम फिर भी चल जाएगा आपका जो घर का टॉयलेट है। और अटैच टॉयलेट है यानी उसके अंदर आजकल शावर और वॉशरूम दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो हम उस टॉयलेट की बात कर रहे हैं जो कॉमन है, जिसमें नहाने का भी ऑप्शन होता है और आपके नित्य क्रिया का भी ऑप्शन होता है। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, वो अटैच टॉयलेट जो होते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में इन्हीं टॉयलेट्स को लेकर, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट प्रॉपरली अलाउड हैं, वहाँ पर आप आराम से टॉयलेट अपना घर का बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट की। तो साउथ ईस्ट में जनरली घर का किचन होना चाहिए, उसके लिए बेस्ट लोकेशन है वहाँ पर, इसीलिए टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अग्नि का वास होता है, साउथ ईस्ट आपका एनर्जाइज कॉर्नर है घर का, उधर पर अगर अग्नि से रिलेटेड काम होगा वो ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो आप वहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाइए क्योंकि टॉयलेट इज़ अबाउट वाटर, वहाँ पानी का काम है, तो अग्नि का काम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा वर्जित एरिया है क्योंकि वो नॉर्थ ऐसे शुभ कोण है, वो ईशान कोण है, वहाँ पर आपके घर का मंदिर होता है, वो बेस्ट लोकेशन है मंदिर के लिए, आप वहाँ पर टॉयलेट बिल्कुल भी मत बनाइए। और हम अभी बात कर रहे हैं अटैच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट की, जिसके अंदर नहाने का और नित्य क्रिया का दोनों का ऑप्शन होता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से तो वैसे भी अगर शुभ है तो वहाँ पे बारिश का पानी और वो सब एग्जिट होना चाहिए, जैसे मैंने अदर वीडियोस में भी कवर किया है पहले। तो टॉयलेट का जो सीवर होता है, सीवर लाइन आपकी कभी भी नॉर्थ ईस्ट से नहीं उतरनी चाहिए, सीवर को हमेशा साउथ या वेस्ट की तरफ से ही आपके घर से एग्जिट लेना चाहिए। तो मेन लॉजिक यही है, जब हम कॉमन वॉशरूम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सीवर लाइन आपकी साउथ या वेस्ट से उतरनी चाहिए, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से कभी भी सीवर लाइन को ईस्ट से नहीं उतरना चाहिए घर के। तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, आपने घर में अगर जगह आइडेंटिफाई कर ली आपके टॉयलेट की, तो उसको साउथ या वेस्ट में अगर आप बना रहे हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि साउथ और वेस्ट को हमने जैसे स्लोपिंग की बात की थी एक वास्तु के टिप्स के बारे में, जब बात की थी साउथ डायरेक्शन के बारे में बात की थी, तो ये हमेशा उठा हुआ होना चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। क्योंकि घर में जो पानी का एग्जिट है हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ से करते हैं, तो जनरली जो स्लोप होता है नेगेटिव एरिया को हम थोड़ा सा उठाते हैं, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी फ्लो ना कर पाए, और जो एरिया स्लोप वाइज थोड़ा सा डाउन होता है तो नेचुरली वहाँ से एनर्जी फ्लो करनी चाहिए। इसी तरह जो आपका वॉशरूम में जहाँ पर सीट लगती है, टॉयलेट सीट लगती है, उस टॉयलेट सीट को साउथ या वेस्ट की तरफ कॉर्नर में होना चाहिए और उसका स्लोप थोड़ा डाउनवर्ड होना चाहिए उसी वॉशरूम के नॉर्थ या ईस्ट की तरफ, जहाँ पर नहाने का एरिया होता है। वैसे नॉर्थ ईस्ट नहाने के लिए बहुत अच्छा एरिया है,
लेकिन अटैच वॉशरूम में वही सीवर लाइन या गंदा पानी वहां से एग्जिट नहीं करना चाहिए, उस वजह से कभी भी नॉर्थ ईस्ट में हम टॉयलेट नहीं बना सकते। सो ये हो गई लेवल की बात कि किस लेवल में होना चाहिए। स्लोप की बात भी अगर करें तो वॉशरूम का स्लोप जिस प्रकार होना चाहिए कि जो नहाने का पानी है वो एग्जिट होना चाहिए आपके वॉशरूम में नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से एग्जिट होना चाहिए, और वो नहाने का होना चाहिए, सिर्फ टॉयलेट सीट का पानी या गंदा पानी आपका वहाँ से एग्जिट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर में जब हम टॉयलेट सीट लगाते हैं वॉशरूम में तो टॉयलेट सीट का एक्सेस क्या होना चाहिए। तो टॉयलेट सीट का एक्सेस ऐसा होना चाहिए कि या तो उस पर जो व्यक्ति बैठा है तो उसका फेस जो है या तो नॉर्थ की तरफ हो या साउथ की तरफ हो, मतलब वो सीट जो है वो नॉर्थ और साउथ एक्सेस में होनी चाहिए, वो कभी भी ईस्ट और वेस्ट एक्सेस में टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करके साउथ फेसिंग सीट होनी चाहिए। तो आई होप आपके घर के टॉयलेट के लिए ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे जब भी बनाएंगे। बात करते हैं रेमेडीज़ की, और रेमेडीज़ की बात करने से पहले आप ये वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हैं आप इसे लाइक ज़रूर करिए। ये कंटेंट अगर आपके लिए हेल्पफुल है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, ये लाइक ही मेरे लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है और ऐसे कंटेंट को लाने में मदद करता है। चैनल पर नए हैं, उस तरह के वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, ज्योतिष रिलेटेड वीडियो अच्छे लगते हैं, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नया कंटेंट पोस्ट करूं। तो बात करते हैं रेमेडीज़ की कि अगर आपका टॉयलेट गलत जगह है या आपको पता है कि नेगेटिविटी आ रही है या नेगेटिविटी से बचना है, तो बहुत सिंपल सा आप एक फिटकरी ले आइए, एलम ले आइए, और अपने वॉशरूम में एलम को रखिए और उस एलम को हर 1 से 2 महीने में रिप्लेस करते रहिए। उसको डिस्कार्ड कर दीजिए डस्टबिन में, दूसरा नया ला के रख लीजिए। एलम के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ मानी गई हैं, तो जिस तरह की भी नेगेटिविटी है या जर्म्स है जो भी आपके घर में इकट्ठा हो रहा है टॉयलेट के अंदर, उसको नेचुरली काटने के लिए वहाँ पर एलम बहुत कारगर है। आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी कंसल्ट करके और चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एलम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटकरी आप आराम से रख सकते हैं। जनरली पहले हर वॉशरूम में एक फिटकरी होती थी पुराने ज़माने में, तो यह आप फॉलो करके देख सकते हैं। कलर थेरेपीज भी होती हैं जहाँ पर कलर टेप से वॉशरूम के अंदर बैलेंसिंग की जाती है, ये आप अपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर या उनसे कंसल्ट करके आप वो भी कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल टॉयलेट के बारे में कि वास्तु कैसा हो टॉयलेट का। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है पैसे के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को जुड़े रहिए, जल्द आएंगे ज्योतिष से रिलेटेड नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।